बात अंदाज। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव अकबरपुर में है और इस गांव में ज्यादातर गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। यहां काफी सारे गांव के ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। आखिर इनकी राय निकल करके क्या आती है? तो बाबा क्या नाम आपका? हैंडल के अहमद साहब। हैंडल? हाँ। अच्छा, नाम तो अच्छा है, लेकिन आपकी राय के इस बार वोट किधर जा रहा है आपका? जी मैंने जाना वोट के दूसरी को जाना तो बीजेपी को। अच्छा, कमल पे जाती है? कमल पे। सीधी सतवार। और इस गांव में ज्यादातर किसको वोट मिल रही है? गांव में सबसे ज्यादा आयु आयु मिलेगी हमारे में तो गुजर समान तो संघ मरेगी न्यू रेंद्र। अच्छा अच्छा, संघ जियेंगे संघ मरेंगे। हाँ ठीक है जी। अंकल क्या नाम है? मामचंद जी। आपकी वोट किधर जा रही है? बीजेपी की। बीजेपी? नौकछम चौधरी। नौकछम जी सर, आपकी वोट किधर जा रही है सर? नौकछम चौधरी के। नौकछम चौधरी। अंकल आपकी? बीजेपी की। बीजेपी को जा रही है। अरे खूब लिखता है वो सब, तो मेरी बेटी है। अच्छा, नौकछम आपकी बेटी है? बिल्कुल बेटी की ना है। जी जी बिल्कुल बेटी तो बेटी बारे बेटी जी। अंकल जी नाम क्या आपका? लीला। अच्छा, लीला नाम है। इस बार आपका जो वोट है किस साइड जा रहा है? बीजेपी। बीजेपी नौकछम चौधरी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी। अंकल आपका वोट किधर जाएगा? नौकछम की दे रहे साहब। नौकछम की दे रहे हैं जी? नौकछम चौधरी जी। भाई जी अंकल दे हमारे ही है, उन्होंने कह दिया। किसको वोट जाएगा? बीजेपी की जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे एक दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीण यानी कि बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ऐसे में बहन नौकछम चौधरी के पिताजी भी यहाँ पे हैं, तो इन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि जितना भी यहाँ का गुजर समाज है वो बहन नौकछम चौधरी के दिल से साथ और उन्हीं को वोट जाएगा। तो सर आज जो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं बहुत सारे, इन्होंने आपको समर्थन दिया है। गुर्जर समाज के सारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इन्होंने एक बड़े पैमाने पर कहा कि पूरा गुर्जर समाज एकजुट होकर के बहन नौकछम को वोट करेगा। तो इनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? इनकी अपनी बेटी है जी, और मुझे भरोसा दिलाया है कि हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को वोट देंगे जी। तो मुझे इससे ज्यादा और क्या खुशी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी राय क्या है इस बार? हम ये कहते हैं बीजेपी अब के बिल्कुल जीतेगी और बीजेपी के साथ हैं हम पूरे दमखम से पूरे सहयोग से जी। आपकी क्या राय है? बीजेपी को वोट देंगे सर, बीजेपी जीतेगी यहाँ पे तो। ठीक है जी, पूर्ण रूप से बीजेपी। बीजेपी पूर्ण रूप से बीजेपी। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपकी राय तो जानना चाह रहे ना? नौकछम चौधरी को जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा जी, और कहीं वोट जाएगा ही क्यों? इस गांव से कितने प्रतिशत वोट नौकछम को जाएगा? टोटल वोट नौकछम को जाएगा। चोरी बताइए, इस बार जो विधानसभा चुनाव सर पे है, आपका जो वोट है किसकी तरफ जा रहा है? नौकछम को जा रहा हूँ, बीजेपी। नौकछम चौधरी? नौकछम चौधरी। इस गांव में लगभग कितने मतदाता हैं? कितने वोट हैं? करीब 250 के करीब वोट हैं। तो इनमें से कितने वोट नौकछम चौधरी के लिए जा रहे हैं? पूरे नौकछम को जाएंगे सब। एक मुहर है? एक मुहर। ठीक है, आपकी क्या राय है? हमारी राय ये भी है नौकछम चौधरी को वोट दे रहे हैं ठोक बजा के। अच्छा, ठोक के वोट दे रहे हो? ठोक के, कोई गाय दबाड़ी ना है हम पे। अच्छा अच्छा। जी अंकल जी, आपकी क्या राय है? किसको? नौकछम। नौकछम चौधरी को। ठीक है, किसकी वोट ज्यादा है? बीजेपी की। क्या नाम आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह। लगभग कितनी वोट नौकछम चौधरी को मिल रही है? नौकछम चौधरी मिलेगी कभी 600 वोट गांव से। टोटल वोट कितने गांव में? टोटल वोट बैठेगी 700। तो समथिंग 90% वोट जा रही है। ठीक है जी, क्या नाम है? किसे जा रही वोट आपकी? बीजेपी को। वो सिंबल भी लग रहा है जी। अंकल जी क्या नाम है? खेमा। आपकी क्या राय है, इस बार वोट किसको जा रहा है? बीजेपी जा रही है ठेठ के ही पूरे गांव की। अच्छा, बीजेपी जा रही है ठोक के। ठीक। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।